नमस्कार, मैं गया बोध गया से राजेश कुमार। भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि है और इस भूमि पर आज पूरा सन्नाटा छा गया है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा ये दूसरी बार लॉकडाउन की घोषणा की गई। सड़कों पर एकदम बिल्कुल सुनसान है। हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये पूरा सुनसान सड़क है, दुकानें बंद है, मार्केट में लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। सरकार का जो आदेश है उस गाइडलाइन को पालन करने में लोग लगे हैं। साथ ही विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर और सटे जो मस्जिद है वहाँ भी धार्मिक परंपरा के अनुकूल पूजा पाठ किए जाते हैं, नमाज अदा हो रही है। महाबोधि मंदिर में सुबह शाम भगवान बुद्ध के समर्पित के लिए प्रार्थनाएं आदि प्रज्वलित किए जा रहे हैं, जिससे कोरोना वैश्विक महामारी बीमारी से देश को छुटकारा मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे संपूर्ण लॉकडाउन में जो परिस्थितियां वर्तमान में देखने के लिए वो मिल रही है कि सुबह में थोड़ी बहुत गाड़ियां तो चलेगी, दुकानें भी खुलेगी, लेकिन जो गांव या सड़कों पर जो रहने वाले असहाय परिवार के जो लोग हैं, शायद उन्हें दो वक्त की रोटी की तलाश है। बोधगया के सड़कों पर आज भी कई जगहों पर भिखारियों को लोग पैसा और भोजन देते नजर आए, जबकि बोधगया में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। एक के बाद एक संख्या बढ़ रही है। आज हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो बीते दिन वहां के जो स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर थे उनकी भी कोरोना के चपेट में आने से मौत हो गई है। कई ऐसे गांव हैं जहां लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह अपने आप में एक चिंता के विषय है, लेकिन फिर भी लोगों में पूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। जो सावधानियां होनी चाहिए थी अपने आप में, शायद वो नहीं बना पा रहे हैं। कहीं न कहीं लापरवाहियाँ तो देखी जा रही है, लेकिन सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसे सख्ती से पालन किया जा रहा है। लागू करवाने के लिए जिला के विभिन्न अधिकारियों के द्वारा सड़कों पर उतारे हैं। थानेदार, अंचलाधिकारी और अन्य पदाधिकारी सड़कों पर हैं और सख्ती से पालन करवाने में जुट गए हैं। मैं गया बोध गया से राजेश कुमार।